नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। जी हाँ, कल हमने आपको शहनाज गिल की एक फ़ोटो दिखाई, जिस फोटो में शहनाज गिल एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ दिखाई दे रही हैं। उनकी ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। हमने अपनी वीडियो में आपको वो कमेंट्स भी पढ़ के सुनाए जो फैंस शहनाज गिल को लेकर कह रहे थे, सिद्धार्थ और शहनाज के बच्चे को लेकर वो क्या कमेंट कर रहे थे। तो हमारी जो वीडियो थी जिसको आपने इतना प्यार दिया, हम उसी वीडियो के कई कमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पर आप क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हम पढ़कर आपको सुनाएंगे कि फैंस की आखिर डिमांड क्या है, फैंस शहनाज गिल को लेकर आखिर कहना क्या चाहते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं फैंस भी ये चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए, ये दोनों बहुत प्यारे कपल लगे, इनका एक प्यारा सा बच्चा हो। लेकिन दिसंबर के महीने में हम सबको पता है कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की शादी होने वाली थी, लेकिन ये ख्वाहिश अधूरी रह गई, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई और दोनों अलग हो गए। दिसंबर में इनकी शादी नहीं हो पाई। वहीं अब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शहनाज गिल की कई ऐसी फ़ोटोज़ हैं, सिद्धार्थ की कई ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो फैंस अभी भी देखकर उसे भावुक होते हैं। फिलहाल आज इस रिपोर्ट में हम आपके कमेंट आपको पढ़कर बताएंगे कि आपकी क्या डिमांड है, शहनाज गिल को लेकर आपकी क्या शर्तें हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, कल हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए थे जिसमें ये बातें हम कह रहे थे कि शहनाज के बच्चों के बारे में आखिर फैंस का क्या कहना था, फैंस उस पर अपनी क्या रिएक्शन दे रहे थे, उस पर हमने बात की थी। आज जो हमने वो प्रोग्राम किया उस पर आप सबके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स को हम पढ़ेंगे कि आखिर आप क्या चाहते हैं, फैंस क्या चाहते हैं सिद्धार्थ के बच्चे को लेकर, फैंस क्या सोचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि इस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। एक सुजाता फर्नांडिस हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि जस्टिस फॉर सिद्धार्थ शुक्ला एंड शशांत एंड दिशा एंड जिया खान। तो आपको बता दें सुजाता कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इन्हें जस्टिस की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से ही उनका निधन हुआ था, इसमें जस्टिस की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक शशांत और दिशा और जिया खान की बात है तो हाँ, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था। जी हाँ, तो वहीं एक दूसरी यूज़र हैं, वो लिखती हैं कि सना फुलफिल सिड्स ड्रीम, ही विल बी सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस आर विद यू, वी नो यू विल मेक अ वाइज मूव एज यू मूव ऑन टेकिंग वन डे एट अ टाइम, यू विल सी हाउ फार यू विल गो, सिड विल हेल्प यू टू मेक इट द वे ही वॉन्टेड इट, यू कैन डू इट, placing your trust in the one who always stood by you from the time you entered Big Boss 13. God bless both of you. जी हाँ, तो मैरिना लिखती हैं कि शहनाज ज़रूर वापस आएंगी, शहनाज ज़रूर हम सबके सामने आएंगी, शहनाज सिद्धार्थ का सारा सपना पूरा ज़रूर करेंगी। जिस तरीके से शहनाज के साथ जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, एक दिन वो बहुत ही अच्छा मूव लेंगी। जी हाँ मैरिना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी यही चाहते हैं कि सना जल्द ही हम सबके सामने आए और अपनी बातें हम सबके सामने रखे। वहीं आपको बता दें कि एक और यूज़र हैं सरस स्मिथ, जी हाँ उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि CBI इंक्वायरी शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल, जस्टिस फॉर SSR एंड दिशा सालियान एंड सिद्धार्थ शुक्ला एंड जिया खान। जी हाँ, अब बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, बार बार यूज़र्स कह रहे हैं कि CBI इंक्वायरी, देखिए CBI इंक्वायरी तो उस पर होती है जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को सिर्फ एक हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से ही उनका निधन हुआ था, जहाँ पर आप सब कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर SSR, वो हम समझते हैं कि चलिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ था, दिशा के साथ कुछ गलत हुआ था, तो उसके लिए जस्टिस मांगना बिल्कुल सही है, लेकिन सिद्धार्थ के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, वो नॉर्मल सा एक हार्ट अटैक था जो उन्हें नींद में आया और वो चल बसे। आपको बता दें इसके बाद एक और यूज़र हैं एन जायसवाल, उन्होंने लिखा है कि काश शहनाज प्रेग्नेंट होती, कम से कम उसके पास सिद्धार्थ की आखिरी निशानी तो रह जाती और सिड की माँ को भी जीने का बहाना मिल जाता। जी हाँ, तो इस तरह के कमेंट आए हैं और इन्होंने ये बातें कही है जो काफ़ी भावुक करने वाली है। जी हाँ जायसवाल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर शहनाज शायद प्रेग्नेंट होती और दोनों की शादी हो गई होती तो शायद शहनाज के लिए एक जीने की वजह हमारे पास होती, हम उनको इस हाल में नहीं देखते, कम से कम वो मूव ऑन करने के लिए इतना समय नहीं लेती। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि अमरजीत कौर हैं, वो भी लिखते हैं कि
बच्चों के सिंगल पेरेंट्स के लिए परवरिश करना कितना मुश्किल है, सना को पूछें क्या हुआ है। जी हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिंगल पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे की परवरिश करना। लेकिन आपको बता दें कि शहनाज जिनको उन्होंने गोद में लिया है वो उनका बच्चा नहीं है, लेकिन फैंस ये चाहते थे कि काश ये उनका बच्चा होता, और काश, इमेजिनेशन ये फैंस की है और फैंस अपनी कमेंट्स में बहुत प्यार देते हैं। आपको बता दें कि एक और यूज़र हैं नलिनी भट्ट, वो लिखती हैं कि इफ़ शी इज़ कैरिंग सिट्स बेबी वी ऑल एंड गुड, बट इन करेंटली एटमोसफेयर इन दिस ड्रामा जस्ट टू गेट सिट्स मनी। जी हाँ, ये तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और आपको बता दें कि इस तरह के कई और कमेंट्स हैं जो सामने आए हैं जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। एक और हैं वो पूछ रहे हैं कि अरे क्या शहनाज प्रेगनेंट है। जी हाँ, तो लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शहनाज प्रेग्नेंट है, क्या सच में ये सिद्धार्थ का बच्चा है। तो इस तरह के सारे कमेंट्स हमने आपको पढ़कर सुनाए, हमने आपको बताया कि क्या शहनाज सच में प्रेग्नेंट है, क्या शहनाज का ये बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें जो अब हमारे सामने आ रही हैं वो बेहद ही भावुक करने वाली है, बेहद ही भावुक करने वाले ये कमेंट्स हैं जो हमने आपको पढ़ के सुनाए हैं। फैंस शहनाज के सामने क्या शर्त रख रहे हैं कि काश ये आपका बच्चा होता तो आप खुश होती। सिद्धार्थ और शहनाज की बॉन्डिंग पर भी बात करें, जी हाँ, तो आपको बता दें कि इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही प्योर थी। दोनों शुरुआत से एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जो तो कमेंट्स सामने आए हैं, ये कमेंट्स ये दिखाते हैं कि आज भी शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी को कितना ज़्यादा पसंद लोग करते हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि आपकी खुद की क्या शर्तें हैं शहनाज गिल को लेकर। जब आपने वो फोटोज़ देखी तो आप उस पर क्या राय रखते थे वो हमने आपको बताई। यहाँ तक कि हमने आपको शहनाज गिल के हाल के बारे में भी बताया कि अब शहनाज गिल कैसा फील कर रही हैं, सिद्धार्थ और शहनाज की कैसी स्टोरी थी, किस तरीके से दिसंबर के महीने में दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई इन दोनों की शादी, और समय से पहले ही दोनों अलग हो गए। शहनाज गिल को भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा इन सब चीज़ों से उबरने में, इन सब चीज़ों से बाहर आने में। जी हाँ, लेकिन हर कोई बहुत ही पेशेंसली इन दोनों की केमिस्ट्री को देखता है और बहुत ही पेशेंस के साथ शहनाज गिल का इंतज़ार कर रहा है हर कोई कि वो बाहर आए, कैमरा फेस करें, लोगों से बात करें। उनके फैंस यही चाहते हैं कि शहनाज टूटे नहीं, अब हिम्मत करके वो सामने आए। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।